निगम के 21 वकीलों का सेवा काल समाप्त हो गया है। अब काम की समीक्षा के बाद ही पुनः नियुक्ति हो पाएगी। निगम आयुक्त ने कहा कि रूटीन प्रक्रिया के तहत ये कार्यवाही हुई है। नगर निगम में वेतन में लगभग 40 वकीलों की लंबी फौज हाईकोर्ट और जिला कोर्ट में काम कर रही थी। इसमें से ज़्यादातर वकीलों को अब तक निगम द्वारा कोई केस पैरवी करने के लिए नहीं दिया गया। फिर भी फिक्स वेतन के तहत नगर निगम द्वारा इन्हें 15,000 से 1.5 लाख तक का प्रतिमा वेतन दिया जा रहा था। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के पास शिकायत पहुंचने के बाद अब निगम ने अनावश्यक वकीलों की नियुक्ति पर अंकुश लगाया है। 40 से 6 वकील जिला कोर्ट के और 15 वकील हाईकोर्ट के, जिनका एक वर्ष का सेवा काल समाप्त हो चुका है, निगम द्वारा इन्हें अभी पुनः नियुक्ति नहीं दी गई। निगम सूत्रों के अनुसार निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने तय किया है कि अब वकीलों के कार्य की समीक्षा के आधार पर ही उन्हें पुनः नियुक्ति दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि 20-22 से ज़्यादा वकीलों को निगम में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। कांग्रेस शासनकाल में कई ऐसे वकीलों को भी निगम में नियुक्ति दे दी गई थी जो कोर्ट में रेगुलर प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, ना ही कभी निगम की ओर से पैरवी की, लेकिन प्रतिमा वेतन प्राप्त कर रहे थे। ये नगर निगम की रूटीन प्रक्रिया है, जब वकीलों को किसी को भी पैनल में, हम लोग निगम पैनल में लेते हैं तो समय समय पर उसको रिवाइज करते रहते हैं, क्योंकि कई सारे हमारे लॉयर्स ऐसे हैं जिनके समय सीमा, जिसके लिए उनको ऑथराइज किया गया था, वो समय सीमा समाप्त हुई है, तो उसी की सामान्य प्रक्रिया के तहत ये प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।